कमाई गणिशा तो क्या नो आप सब लोग आई होप सो बढ़िया ही होला। तो बस सवार हो चुकी है सुबह, मतलब आप लोगों को तो काम ही खत्म हो गया। लो हमारी अब सुबह हुई है, मैं 9:15 बजे उठी, अब 9:30 हो रहा है। तो बस फ्रेशन अप हो और अब अपने मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है नारियल पानी के साथ। सुबह सुबह प्यान में सुबह सुबह तो चाय पीती हूँ, मैंने काफ़ी टाइम हो गया सुबह सुबह खाली पेट चाय पिया, पर दूध ही रहती सास रही जब भी, लेकिन अच्छा फिर अब मम्मी जो नारियल पानी पिला पिला आ गया। तो बस वो डिब्बा का बात करने, थोड़ी देर बात करने मैं नारियल पानी पी लूँ, फिर आपने चाहे चाय पीनी हो चाहे दूध पीनी हो वो भी सब मैं नाभा के बाद में पीऊँ। चाय बनानी है मैंने, लेकिन मैं सब नाभा के बाद के अंदर में जो मैं चाय बनाऊँ। तो बस अब नारियल पानी पीवा, थोड़ा सा काम के अच्छा नाशा और मंदिर जाशा, फिर आपको मिला फटाफट, क्योंकि ताड़ो उतरो हो रहे हो, ताड़ो मंदिर जाता बहुत जोर आ रहा है, लेकिन मंदिर जाना चाहिए। अगर आपके आसपास है तो आप ज़रूर जाओ, नहीं तो घर में ही पूजा करो। और आश्रम थोड़ा सा दूर है तो मैं घर ही करूँ, अट एकदम बिल्कुल गली का कन्ने ही है एकदम कुणा पर, तो फिर मैं ठीक करूँ। तो बस नारियल पानी पी लिया, फिर काम करा नहावा। 12 hours later तो फाइनली मम्मी आ चुकी है हमारे ब्लॉग में, एकदम मम्मी ने राजी करना पड़े मम्मी हमारे ब्लॉग में आ जाओ, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो लोगों को सबसे ज़्यादा सवाल हुई हो कि आपकी मम्मी जो है क्या जॉब करते हैं, तो मम्मी आप कई नौकरी करो, मतलब कई जॉब है आपकी? मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मम्मी जो है वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। कितना साल हो गया आपने नौकरी करता? 26.5 साल। मम्मी जो है मैं जन्मी जिस साल लगी है नी 1997 के अंदर जो है मम्मी की नौकरी लगी ही, तो 26.5 साल हो गया। इससे आपको मेरी एज भी पता चल रही है इस ब्लॉग में मैं कितने साल की होगी। तो मैं जन्मी जस से मम्मी आज तक नौकरी कर रहा है। तो मम्मी आप जी टाइम गाँव में आए किशनगढ़ में? मैं 2 साल तो गाँव में करी आंगनबाड़ी कार्य कर, और अभी बच्चा आप किशनगढ़ ट्रांसफर कर 2000 के अंदर किशनगढ़ किशनगढ़ से। तो 24 सालों से किशनगढ़ में कर, तो मम्मी 24 साल से माँ के कॉलोनी के अंदर जो आंगनवाड़ी चला रहे हैं। और मम्मी आंगनवाड़ी के अंदर भी जो 3 पोस्ट हुआ गया जिसके अंदर मम्मी कार्यकर्ता ने सबसे ऊपर वाली पोस्ट पर काम कर दिया बार, और मतलब 26.5 साल से मम्मी नौकरी कर रहे हैं, मतलब 26.5 साल पहले जो माहौल अलग हुआ, आजकल तो सब नौकरी करें, मतलब कि सब लेडीज जो है नौकरी करें घर के अंदर, लेकिन 26.5 साल पहले जो है गाँव के अंदर नौकरी करे। तो मम्मी जब नौकरी को प्रपोजल लाए हो तो सबसे ज़्यादा आपने सपोर्ट कौन करे? अजमेर वाले जेठ जी जो पोस्ट से रिटायर थे और पुलिस में लग रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको जॉब करनी चाहिए। अजमेर वाले जेठ से मतलब मेरी पिंकी मासी को सबसे सब जानते होंगे, अक्षता को भी सब जानते होंगे, मेरी पिंकी मासी के जो ससुर हैं, पिंकी मासी के ससुर जो मेरे बड़े पापा लगते हैं, तो उन्होंने जो है मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि 26.5 साल पहले जो है माहौल एकदम अलग हो, बट बी टाइम जो है मतलब एक राजपूत मिडिल क्लास फैमिली में से एक लेडीज़ ने 12,000 काम करो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, तो बी टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो रही हो बाबू दादा के बात के अंदर वो रही हो सबसे ज़्यादा बड़ा पापा को, कि घर का जो है मतलब बड़ा हुआ अगर भाई आपको सपोर्ट कराया करे कि आप जो है नौकरी करो, तो बी टाइम जो सबसे बड़ा सपोर्ट हो, बड़ा पापा की बात सब मानता भी, क्योंकि बी टाइम जो है एक उतना घर का जिम्मेदार आदमी भी है। तो बी टाइम मम्मी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है बड़ा पापा कराया जी के बदौलत आज मम्मी जो है 26.5 साल से नौकरी कर रहे हैं। और भी मम्मी बाबू दादा को तो हो ही, बाबू दादा भी सपोर्ट करे वाला आपने? हाँ, मम्मी सा कौर सा बहुत अच्छे थे उस टाइम में, मेरे को बेटे की तरह रखते थे, आज भी मैं उनको याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम 26.5 साल पहले जो है वो माहौल अलग था, उस टाइम जो है ना बहुओं को बेटियों के जैसे नहीं रखा जाता था, बहुओं को बहुओं के जैसे ही रखा जाता था, तो उस टाइम जो था मेरी मम्मी जो है मेरे को सही में आंखों में आंसू आ गए, सास ससुर यार गए, उन्होंने चाहे गए कि बू याद करे ताकि हम आंसू आ जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को ऐसे बनो, क्योंकि मैं उस टाइम जो है हर कोई ऐसा नहीं रखता था अपनी बहू को, उस टाइम जो है मेरे बाबू दादा ने कहा, मैं तो कहती हूँ आज तक जो है मैंने वैसी सास नहीं देखी, मेरी मम्मी भी उतनी अच्छी सास नहीं है, मम्मी अच्छी है मैं ये नहीं कह रही बुरी है, लेकिन हमारा दादी साहब का तो मुकाबला आज तक मैं लेकर दे सकूँ कोई सासू नहीं कर सकेगा, जत्ता लाड हो जत्ता प्यार हो कोई बेटी ने नहीं रागा ना बत्तू बत्ता, मतलब कि हमारी मम्मी ने रोटी भी नहीं बना पाते था दादी साहब, आते कह रहे थे आजकल तो ऐसा रोटी नहीं बना सासा मुंड सूझ जाए इंद्रिया रोटी नहीं बना। तो जब तक मार दादी सा जिंदा हा, जब तक मम्मी मार रसोई का काम नहीं करियो, तो वो मम्मी सबसे
ऊपर को सारा काम कर लेता मम्मी, लेकिन मम्मी जो है किचन के अंदर थोड़ा सा मम्मी को हार्ट टाइट हो, जो कि आज तक है, जो मैं आज वो भी करूँ, मतलब सब बाबू की गलती है। अगर बाबू आपने लड़ता तो आप सब काम कर लेता किचन को, लेकिन बाबू हमेशा जो है मम्मी ने बेटी की जान रखा, तो बाबू दाता को भी सबसे सपोर्ट रही हो, बी टाइम भी दाता मम्मी से बात करता। आजकल भी कई लोग है जो ससुर और बहू बात फोन करे, लेकिन मानवी जमाने में और मम्मी ने नाम बुला था हमेशा। आजकल तो लोग कह के मीदनी नाम बुलाना चाह, मतलब मेरे सास ससुर भी मुझे नाम से बुलाते हैं, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये नाम से बुला रहे, बिंदु को नाम से नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन मैं बात करूँ हमारे घर का माहौल ऐसे रहा कि आज बता रहे 26.5 साल तो मम्मी को नौकरी करते हुए हो गई, उससे पहले मम्मी की शादी हो चुकी थी, मेरे भैया का बर्थ भी उससे पहले हो चुका था, लेकिन बी टाइम भी है ना हमारे बाबू दादा जो है मम्मी ने जो है नाम बुलाता। तो मतलब मैं माहौल ही आन कर रही हूँ, मैं घर को एकदम को बढ़िया का, मैं कुछ ज़्यादा ही खुला बिछारा का इंसान हो चुका था। तो मान के अब यार इस जीवन के अंदर जब ज्ञान का कोई लोग मिला ना टोक बड़ा, तो मैं सेंड नहीं हुआ है। तो कपमेट काफ़ी ज़्यादा और मम्मी काफ़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, और मम्मी का फील्ड में मम्मी ने कई बार जो है अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट आंगनबाड़ी का हर साल मिला कर है। तो मम्मी ने भी के अंदर जो है काफ़ी बार अवार्ड मिल चुका है, और बाकी तो मैं ना घर लेडीज जो है कुछ ना कुछ काम कर ही दिए। और पापा को कई सपोर्ट रही हो आप? पापा का अच्छा काम नीलम के पापा का, पर उन्होंने यही बोला कि अगर आप काम करते हो तो आपको अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, मैं अन्य आपके साथ चलूंगा। और नहीं मेरे पापा का शुरू यान को ये, हमारे पापा को सुबह मार पर कोई डिपेंडेंट नहीं रहना चाहे कोई काम थे, खुद पे निर्भर हो, कोई भी काम करना हो तो यान नहीं का काल मीटिंग आ जाए कर लियो मेरे ना को पापा चाला, तो बहुत सीन नहीं चाहो पापा ने। मैं कॉलेज गई जब भी पापा ये क्या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, रेगुलर जानो है तो खुद का बलबूता पर जाओ, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। और आज माँ की भाई आदत रहेगी कि मैं सब काम जो है खुद करा, मन कोई यान नहीं क्या लो माँ फोन कर माँ को काम कर दीजिए, मुझे घर है। आप सेल्फ डिपेंडेंट बने रहे, आपने अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, तो वो क्या करें ना कि शुरुआत जो आपका घर से भी आकर है कोई भी चीज़ की हो, अगर आपके घर का ना आप यहाँ लाखों ना कर नहीं अदर अदर नहीं तू मत कर मैं कर लूँ तू मत कर मैं कर लूँ, तो वो हमेशा जो है बा लड़की बयान नहीं बन ले जाया करें कि बारे नहीं जानो वो काम नहीं करनो मत थारो काम कर दे तन का जरूरत है जब है कि, तो ना तो मेरे पापा यान कर या ना मैं मम्मी यान कर रही ना हमारे भाई यान कर रही हो, मतलब मैं तीनों ये अपना काम खुद करो, अपने अगर आप कुछ कर रहे हो तो अपने बलबूते पर करो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपने पर करो, और कुछ भी काम करना तो वो खुद करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। और बी टाइम तो जरूर बुरा लगता है कि यार सबका पापा छोड़वा जाओ हमारे पापा में लेबा उन जा छोड़ उन जा, लेकिन आज बाद जो है मैं हर काम अकेली कर सकूँ हर जगह अकेली जा सकूँ, तो आज भी चीज़ की वैल्यू समझ में आ रही है कि अगर आप बी टाइम मम्मी तो खैर जा ही सके मम्मी तो तसल हूँ जा ही रही है अकेली लेकिन बी टाइम की वैल्यू आज समझ में आए कि आज मन कटे जाबा मैं या कोई काम करवा मैं जो है वो डर बिल्कुल भी नहीं लगा मन, तो वह वैल्यू आज समझ में आ रही है कि चलो ठीक है नहीं तो आप यहाँ पाछे ही रह जाते यार आप अकेला जावा कि आप वो काम हो जाए कि नहीं, तो फिर बार बार कभी कोई ना फोन करना पड़ा भाई तू कर दे तू कर दे, तो घर वालों के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट रिया करें। तो बस आज को व्लॉग का एंड में ये कर दी, अगर आपने और भी कोई सवाल रहे हमारे फैमिली का बारे में तो अमन पूछ सको, जितने बारे में जितना दिन मैं पीयर में हूँ जितना आपको जो है पूरा मैं आपका पूरा सवाल आपको जवाब देती हूँ। तो अब मिला नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा मम्मी बाय।